नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे कि कितना व कहां कहां क्या क्या हुआ अब तक निर्माण कार्य पूर्ण, तथा क्या मिली है परियोजना में बड़ी उपलब्धियाँ। निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव दृश्य प्रदर्शित करते हुए बताएंगे कि कब तक होगा इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर के वर्तमान सरकारें अत्यंत तीव्रता के साथ कार्य कर रही हैं। परियोजना की अति संक्षिप्त जानकारी देने हेतु बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलेगी, और मुंबई से अहमदाबाद के मध्य 508 किलोमीटर की दूरी में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनके नाम आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हैं, और इसका अधिकतम भाग गुजरात में पड़ता है। इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी। ऐसे में दोनों नगरों के मध्य की दूरी मात्र 3 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि महाराष्ट्र की अपेक्षा गुजरात में इस परियोजना पर कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है। गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर 1.4 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण के साथ ही साथ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गई है। यह पुल परियोजना के गुजरात भाग में सबसे लंबी नदी पुल है, जो सूरत और भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशनों को जोड़ने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण खंड है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का घर है, जो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट का बांध है, जो 1210 मीटर अर्थात 3970 फीट तक फैला है, और इसकी सबसे गहरी नींव के स्तर से 163 मीटर ऊपर है, जिनमें से 5 कुएं 70 मीटर से अधिक गहराई तक पहुंचाते हैं। 25 में से इसमें 19 कुओं की नींव पूरी हो चुकी है और अधिरचना निर्माण कार्य चल रहा है। यह पुल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नियोजित 24 नदी पुलों में से एक है। गुजरात में 20 पुलों में से 10 पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो पार, पूर्णा, मिंडोला और अन्य नदियों पर बने हुए हैं। इस पुल का सफलतापूर्वक पूरा होना हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात के नवसारी में NH-48 पर 260 मीटर लंबे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल का पूरा होने के साथ ही आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है। भारत के सबसे व्यस्त राजमार्गों में से एक पर बना यह पुल दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता है, और सूरत और बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशनों के मध्य में स्थित है। बता दें कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसे कि आधिकारिक तौर पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, भारत में रेल यात्रा में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL द्वारा क्रियान्वित की जा रही यह परियोजना जापानी एजेंसियों के सहयोग से उन्नत प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता ला रही है। सूरत, जो इस मार्ग पर प्रमुख स्थानों में से एक है, में व्यापक निर्माण गतिविधियां देखी जा रही हैं, जिसमें कई खंडों पर एक साथ कार्य संचालित है। क्योंकि काम तेज गति से चल रहा है, इसलिए बुलेट ट्रेन परियोजना अपनी समय सीमा को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे भारत अपने पहले हाई स्पीड रेल नेटवर्क के एक कदम और निकट आ गया है। यही नहीं, चीन की हिरन के चट एजी ने 508 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की पहली टनल बोरिंग मशीन के लिए कारखाना स्वीकृति परीक्षण अर्थात FAT पूरा कर लिया है। 3.56 मीटर व्यास वाली यह मेगा टीबियम भारत में सबसे बड़ी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा परियोजना के 20.377 किलोमीटर भूमिगत पैकेज C2 पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन और शिल्फाठर रैंप के मध्य तैनात किया जा रहा है। इस मिक्स शील्ड मशीन को 2025 में एक अन्य मशीन के साथ चालू किया जाएगा, ताकि अप लाइन और डाउन लाइन दोनों ट्रैकों के लिए 16 किलोमीटर लंबे सिंगल ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जा सके। मुंबई महानगर क्षेत्र में पैकेज C2 का संरेखण BKC और शिल्फाटा को जोड़ता है, और एफकॉन्स वर्तमान में BKC स्टेशन, विक्रोली और सावली में 3 शाफ्ट का निर्माण कर रही है।
जिसकी गहराई लगभग 36 मीटर, 56 मीटर और 39 मीटर है, ताकि वे अपने टीबीएम को लॉन्च और निकाल सकें। बता दें कि भारत की पहली समुद्री सुरंग पर कार्य अब एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। यह मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 7 किलोमीटर का भाग है। आशा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी सुरंग खोदने वाली मशीन अर्थात टीबीएम को इस वर्ष के अंत तक आरंभ कर दिया जाएगा। पूरी भूमिगत सुरंग की लंबाई 21 किलोमीटर है और 21 किलोमीटर लंबी सुरंग यह दो ऊपर और नीचे की पटरियों के लिए एक ही ट्यूब में होगी। इसे बनाने के लिए 13.6 मीटर व्यास वाले कटर हेड वाली टीबीएम का प्रयोग किया जाएगा। 1,08,000 करोड़ रुपए की बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम की गति गुजरात में महाराष्ट्र की तुलना में बहुत तेज है। कुल 508 किलोमीटर की दूरी में से गुजरात के माध्यम से 352 किलोमीटर का मार्ग अगस्त 2026 में सूरत विलमोरा के मध्य 50 किलोमीटर के सेक्शन के खुलने के पश्चात 2027 में चालू होने की आशा है। पूरे कॉरिडोर को मुंबई तक 2028 के अंत तक तैयार होने की आशा है, जो इसकी मूल समय सीमा से 6 वर्ष आगे का है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे जिले में मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 21 किलोमीटर के भूमिगत भाग का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स अर्थात BKC में 1 किलोमीटर लंबे और 32 मीटर गहरे भूमिगत स्टेशन के लिए खुदाई, सुरंग के निर्माण के लिए शाफ्ट और पोर्टल के निर्माण कार्य संचालित हैं। ठाणे क्रिक में समुद्री सुरंग भूमिगत स्तर से लगभग 25-57 मीटर नीचे बनाई जाएगी। घनसौली में 39 मीटर गहरे एक शाफ्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए 90% से अधिक खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। इस शाफ्ट से इस वर्ष के अंत तक आने वाली पहली टीबीएम को नीचे उतारा जाएगा। एक महीने से भी कम समय में BKC की ओर 120 मीटर और शिलफाटा की ओर 110 मीटर की दूरी पर खुदाई की गई है। निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इस मुंबई बुलेट ट्रेन अर्थात मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना कुल नदी पुलों की संख्या है इसमें 24, जिसमें कि 4 पुल महाराष्ट्र में है तो वहीं 20 पुल गुजरात में है। बताया जा रहा है कि गुजरात के 20 पुलों में से 10 का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके नाम आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अब तक 350 किलोमीटर पियर फाउंडेशन, 316 किलोमीटर पियर निर्माण, 221 किलोमीटर गार्डर कास्टिंग और 190 किलोमीटर गार्डर लॉन्चिंग का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं समुद्र के भीतर सुरंग का कार्य भी आरंभ हो गया है। बुलेट ट्रेन समुद्र के भीतर लगभग 21 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस रूट पर 12 स्टेशन होंगे, जिसमें गुजरात में 8 और महाराष्ट्र में 4 स्टेशन होंगे। पूरी यात्रा लगभग 2 घंटे 7 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। इसमें सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद पर सीमित स्टॉपेज होंगे, परंतु यदि ट्रेन सभी 12 स्टेशनों पर रुकती है तो यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी अधिकतम गति से 2 घंटे और 58 मिनट में यह दूरी तय करेगी, जो कि वर्तमान में लगभग 8 घंटे की है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।